झारखंड में कथित भूमि धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। केंद्रीय एजेंसी ईडी उनका बयान दर्ज करने के लिए ढूंढ रही है। इस बीच मुख्यमंत्री सोरेन ने ईडी को पत्र लिखकर राजनीतिक एजेंडे के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने और गठबंधन के विधायकों से रांची में ही रहने के लिए कहा। झारखंड में कथित भूमि धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। केंद्रीय एजेंसी ईडी उनका बयान दर्ज करने के लिए ढूंढ रही है। इस बीच मुख्यमंत्री सोरेन ने ईडी को पत्र लिखकर राजनीतिक एजेंडे के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने और गठबंधन के विधायकों से रांची में ही रहने के लिए कहा। झारखंड में कथित भूमि धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। केंद्रीय एजेंसी ईडी उनका बयान दर्ज करने के लिए ढूंढ रही है। इस बीच मुख्यमंत्री सोरेन ने ईडी को पत्र लिखकर राजनीतिक एजेंडे के तहत कार्रवाई करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने और गठबंधन के विधायकों से रांची में ही रहने के लिए कहा।